पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही बोलते हैं, इनकी भाषा और उनकी भाषा जाने दो जुड़वा भाई है, ऐसे ही एक है। मेरी तो कई बार समझ में नहीं आता कि क्या रिश्ता है इन लोगों के बीच। मैं पूछता हूं, बताते भी नहीं है कि भाई क्या रिश्ता है। आप दोनों की भाषा क्यों एक समान है, आपके विचार क्यों एक समान है। यूएन के अंदर पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर जाता है, उसमें अधिकृत रूप से राहुल गांधी को कोट करता है कि राहुल गांधी कहते थे कि 370 नहीं हटनी चाहिए। मैं इनको पूछना चाहता हूं, वो तो जवाब नहीं देते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज है कि देश की जनता के सामने जाकर उनको देश की जनता सवाल पूछे। इस प्रकार का प्रचार और इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाना चाहिए। मित्रों, ये जो लोग आज देश को गुमराह कर रहे हैं, उनको मैं बताने चाहता हूं, असत्य के पैर नहीं होते हैं, असत्य का आयु लंबी नहीं होती है। चाहे कितना ही जोर लगा दो, अंततो गत्वा विजय तो सत्य की ही होती है, सत्य की ही होती है। और हम जिस विचारधारा पर चले हैं, वो विचारधारा किसी का विरोध नहीं करती है, वो विचारधारा देश की रक्षा की विचारधारा है, वो विचारधारा किसी को धिक्कार करना नहीं सिखाती है, वो विचारधारा देश को प्यार करने सिखाती है। अगर आपको इतना मौलिक अंतर भी मालूम नहीं है तो आपको राजनीति के अंदर ठीक से क ख ग सीखना पड़ेगा राहुल बाबा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अनेक मोर्चों पर देश ने ढेर सारे कार्यक्रम करे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने आया हूं कि तत्कालीन पराजय जो छत्तीसगढ़ के हुई है, इससे हमें हौसला खोने की जरूरत नहीं है। हम तो अमृत पिए हुए लोग हैं जिसका मृत्यु ही संभव नहीं, क्योंकि हमारा जय पराजय व्यक्ति का नहीं होता, मृत्यु व्यक्ति की होती है। विचारधारा अजर होती है, अमर होती है, अपराजित होती है। हम मृत्यु के पिए हुए लोग हैं जो विचारधारा को लेकर निकले हैं, अमृतत्व को पिए हुए लोग हैं, मृत्यु को पराजित करने वाले लोग हैं। मित्रों, मेरा आप सबसे आग्रह है, जिन्होंने मृत्यु पर विचार। Superstar Rajnikanth has begun shooting with TV presenter Bear Grylls for a special episode of the survival show Man vs. Wild. The episode is being shot in Karnataka's Bandipur National Park. Grylls previously featured Prime Minister Narendra Modi as a special guest on the long-running show.